पीएम की अध्यक्षता में आज शाम 6 बजे सीसीएम की अहम बैठक, एलएसी पर चीन की घुसपैठ और मौजूदा हालात को लेकर होगी चर्चा। चीनी घुसपैठ के कोशिशों के बाद लेह में सेना की हलचल बढ़ी, देश के दूसरे हिस्सों से लेह के आईटीबीपी कैंप पहुंच रहे हैं जवान। सेना ने किया चीन के झूठ का खुलासा, चीन एलएसी पर कर रहा है लगातार समझौते का उल्लंघन, नहीं की उकसावे की कार्रवाई, प्रधानमंत्री को दी जानकारी। भारत के एक्शन पर चीन की धमकी, ग्लोबल टाइम्स में लिखा फिर दिखानी होगी पीएलए की ताकत, चीन की सेना को फिर बताया भारत से बेहतर। चीन की सेना ने की पेंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर फिर घुसपैठ की कोशिश, मुस्तैद भारतीय सेना ने चीन के मंसूबे को किया नाकामयाब। घुसपैठ के दौरान पूर्वी लद्दाख इलाके में चीन की ओर से फायरिंग, भारतीय जवानों ने दिया मुकाबला। चीन के सैनिकों ने सोमवार की शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच की घुसपैठ की कोशिश की, सूत्रों के मुताबिक 25 से 50 सैनिकों ने रेंजांग ला के उत्तर में बढ़ना शुरू किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर 4 दिनों के रूस के दौरे पर हैं, शंघाई सहयोग संगठन में बैठक में लेंगे हिस्सा, चीन के विदेश मंत्री से भी हो सकती है मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी 25 बॉलीवुड कलाकारों को भेजेगी समन, रिया और शोविक से पूछताछ में कई बॉलीवुड कलाकारों के नामों का भी हुआ है खुलासा। सूत्रों के मुताबिक रिया ने एनसीबी की पूछताछ में ड्रग्स लेने की बात कबूली है, इससे पहले रिया ने ड्रग्स लेने की बात से भी किया था इनकार। सुशांत के कुक नीरज ने नीरज से एनसीबी करेगी पूछताछ, एनसीबी ने नीरज को भेजा समन। सुशांत के पिता के वकील का रिया और मुंबई पुलिस पर निशाना, कहा लगता है बांद्रा पुलिस स्टेशन रिया का दूसरा घर बन गया है। बांद्रा थाने में सुशांत के परिवार के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर उठा सवाल, कहा रिया को एफआईआर की जगह सीबीआई को बयान दर्ज कराना चाहिए। एफआईआर में लगाई गई धाराओं पर भी विकास सिंह ने उठाए सवाल, कहा मुंबई पुलिस ने रिया को खुश करने की कोशिश तेज की। एनसीबी दफ्तर पहुंची रिया चक्रवर्ती, लगातार 3रे दिन रिया से एनसीबी की पूछताछ, आज हो सकती है रिया की गिरफ्तारी। सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ रिया की शिकायत पर जांच नहीं करेगी बांद्रा पुलिस, सीबीआई को करेगी ट्रांसफर। कंगना मनाली से मंडी के लिए हुई रवाना, मंडी से अपने पिता से मिलेंगी कंगना। कंगना रनौत के पीछे पड़ी है महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र के गृहमंत्री ने कंगना के खिलाफ ड्रग केस की जांच कराने का किया है। कंगना रनौत के मनाली स्थित घर पर सीआरपीएफ के जवानों ने संभाला मोर्चा, बुधवार को चंडीगढ़ एयरपोर्ट से मुंबई जाएंगी कंगना। कंगना रनौत के खिलाफ थाने के श्रीनगर थाने में शिवसेना आईटी सेल ने दर्ज कराई शिकायत, मुंबई की तुलना पीओके से करने पर शिकायत। मुंबई में कंगना रनौत के घर और ऑफिस के बाहर बीएमसी ने चिपकाया नोटिस, 24 घंटे में घर का नक्शा और दूसरे कागजात जमा करने को कहा। एक्टर कंगना रनौत के समर्थन में पटना में सड़क पर उतरी महिलाएं, कहा सुशांत के लिए इंसाफ की आवाज उठाने की कंगना को दी जा रही है सजा। नोटिस चिपकाने और कंगना रनौत ने ट्वीट कर कहा है कि आज बीएमसी के अधिकारी बुलडोजर लेकर नहीं आया, आवाज उठाने पर मुझे नोटिस दे दिया गया। कंगना से बदतमीजी का शिवसेना नेता संजय राउत को मिला इनाम, संजय राउत को बनाया गया प्रमुख प्रवक्ता। पीओके में पाकिस्तान और चीन के खिलाफ लोगों ने निकाला मशाल मार्च, पीओके में पाकिस्तान और चीन के अवैध निर्माण का विरोध कर रहे लोग। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया गिरफ्तार, आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर में पत्रिका गेट का किया उद्घाटन, कहा पर्यटकों के लिए आकर्षण का नया केंद्र बनेगा। आत्मनिर्भरता ने दुनिया को बढ़ाया भारत का दुनिया का मान, और प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि भारतीय उत्पाद ही नहीं आवाज भी हुई वैश्विक। हरियाणा के रोहतक पीजीआई में कोरोना वैक्सीन के दूसरे फेज का ट्रायल शुरू, दूसरे चरण में 15 वॉलंटियर्स पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 42,82,000 के आसपास पहुंचा है, कोरोना से अब तक 72,775 लोगों की मौत। देश में 24 घंटे में कोरोना के 75,809 मामले सामने आए हैं, जबकि 1,133 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,429 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 423 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 9,23,641 पर पहुंचा, कोरोना से अब तक 27,000 लोगों की मौत। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 1,788 नए मरीज मिले हैं, कोरोना से अब तक 7,900 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,070 मरीज सामने आए हैं, एक दिन में कोरोना से 32 मरीज की जान गई। लखनऊ में यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ एमओयू साइन, सीएम योगी की पहल से करीब 7,20,000 महिलाओं को मिलेगा सीधा रोजगार। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे हैं, ट्रस्ट के पदाधिकारी और एलएनटी के इंजीनियर्स भी मौजूद। लखनऊ में मुनव्वर राणा की बेटी को किया गया हाउस अरेस्ट, करने जा रही थी सीएम आवास का घेराव। यूपी के प्रतापगढ़ में भरी सभा में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप की हत्या की धमकी, हिस्ट्री शीटर के भांजे ने दी धमकी।
आगरा में कलेक्ट्रेट परिसर में महिला ने बच्चे समेत की आत्मदाह की कोशिश, दबंगों के खिलाफ कार्रवाई न होने से परेशान। कुलदीप सेंगर मामले में सीबीआई की जांच में उन्नाव के तत्कालीन डीएम और दो एसपी दोषी, सीबीआई ने कार्रवाई की सिफारिश। नोएडा एक्सटेंशन में अजनारा ली गार्डन सोसाइटी में डबल मर्डर, कार में बैठे प्रॉपर्टी डीलर और उसके साथी को मारी गोली, दोनों की मौत। अजनारा ली गार्डन में डबल मर्डर केस के दो संदिग्ध सीसीटीवी में कैच, वारदात से पहले कार में बैठे युवकों की कर रहे थे लेकिन। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और 25,000 के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़, चोरी की बाइक, एक तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद। यूपी के मुरादाबाद में बस और ट्रैक्टर की टक्कर, हादसे में 14 लोग घायल, कईयों की हालत गंभीर। यूपी के बिजनौर में बस और कार के बीच टक्कर, दो अलग अलग हादसे में 5 लोगों की मौत। यूपी के ललितपुर में मछली पकड़ने के लिए जान से खिलवाड़, सुकवा ढकवा बांध के बीच फंसे 4 लोग। यूपी के लखीमपुर खीरी में दर्दनाक हादसा, स्पीड ब्रेकर पर बाइक से उछलकर गिरे मां बेटे को ट्रक ने कुचला, दोनों की मौत। यूपी के आगरा में बस हाईजैक करने के दो और आरोपियों ने किया सरेंडर, अब तक 9 आरोपी जा चुके हैं जेल। उत्तराखंड के जसपुर में हॉरर किलिंग, पिता और भाई ने बेटी और उसके पति की गोली मारकर हत्या की। छत्तीसगढ़ में एथेनॉल बनाने के लिए 508 करोड़ के 4 एमओयू साइन, सीएम बघेल बोले फूड प्रोसेसिंग से बनेगी छत्तीसगढ़ की नई पहचान। सीएम शिवराज ने जारी की पीएम आवास योजना की चौथी किस्त, 68,000 हितग्राहियों के खाते में पहुंचे 102 करोड़। ग्वालियर में बीजेपी को बड़ा झटका, कांग्रेस में शामिल हुए सतीश सीकर, भोपाल में कमलनाथ ने दिखाई कांग्रेस की सदस्यता। कोरोना महामारी में भी माननीयों पर जारी है एमपी सरकार की मेहरबानियां, मंत्रियों का आयकर भरने के लिए 2 करोड़ जारी। आज से 2 दिन के दिल्ली दौरे पर है पूर्व सीएम कमलनाथ, उपचुनाव को लेकर आला कमान से करेंगे चर्चा। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच छत्तीसगढ़ में सरकारी बैठकों पर आयोजनों पर रोक, 14 दिन के लिए बंद हो सकता है मंत्रालय। भिंड के स्कूल में नकली बम रखने वाला 19 साल का छात्र गिरफ्तार, स्कूल संचालक को डराने की रची थी साजिश। सीट शेयरिंग को लेकर बिहार एनडीए में असमंजस जारी, एलजेपी ने साधा अलग सुर, 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का दिया संकेत। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन होगा तेज, डीजीपी एमवी राव ने अधिकारियों को दिया निर्देश। गोड्डा में साध्वी के साथ सामूहिक दुष्कर्म, अज्ञात अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम, जांच में जुटी है पुलिस। बक्सर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर फायरिंग, बदमाश सड़क से गुजर रही लड़कियों से कर रहे थे छेड़खानी, इलाके में सनसनी। रेप केस दर्ज कराने के बाद 5 दिनों तक थानों में लगाती रही चक्कर पीड़िता, बोकारो एसएसपी के आदेश पर शिकायत दर्ज। मुजफ्फरपुर में भाई पर लगा भाई को पेट्रोल डालकर जलाने का आरोप, गंभीर हालत में पीड़ित अस्पताल में भर्ती, एफआईआर दर्ज। औरंगाबाद में देसी बम में विस्फोट, महिला समेत 2 लोग घायल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। भोजपुर पुलिस ने की बालू खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई, खनन करते हुए कई लोग गिरफ्तार, बालू लदे कई वाहन भी जब्त। राजस्थान में पंच सरपंच चुनाव को लेकर बड़ा फैसला, 3,848 ग्राम पंचायतों में 4 चरणों में होगा मतदान, 28 सितंबर को पहला चरण। अजमेर की एमडीएस यूनिवर्सिटी में घुसखोरी का मामला, 3 आरोपियों को एसीबी करेगी कोर्ट में पेश, आरोपियों से पूछताछ कर रहे एडीजी दिनेश के। जयपुर में पेट्रोल पंप संचालक की हत्या और लूट के मामले में खुलासा, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के कोर्ट में पुलिस ने 2 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 31 बाइक बरामद। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने वीर सावरकर ब्रिज का किया उद्घाटन, 34 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है 400 मीटर लंबा पुल। बेंगलुरु ड्रग केस में सीसीबी की टीम ने एक्ट्रेस संजना के घर पर मारा छापा, एक्टर वीरेन खन्ना के घर के भी सीसीबी की टीम की तलाशी थी। रांची में सोमवार को मूसलाधार बारिश के बीच नाले में बाइक में के साथ बह गए 2 युवक, 1 को बचाया गया, दूसरे की तलाश जारी। रांची में भारी बारिश की वजह से हुआ बड़ा हादसा, बाइक के साथ नाले में बहे 2 युवक, 1 युवक को बचाया गया। भारत से 7.3 लाख करोड़ रुपए के स्मार्टफोन का होगा निर्यात, एम्पावर्ड ग्रुप ने मोबाइल फोन के निर्यात की मंजूरी दी। अब पैन कार्ड के लिए भी पोस्ट ऑफिस में कर सकेंगे अप्लाई, इलाहाबाद डिवीजन के 10 पोस्ट ऑफिसों में कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। वोडाफोन आइडिया का नया अवतार अब वीआई नाम से दिखेगी, अब ब्रांड कंपनी का लोगो भी बदला। बिग बैश लास्ट में खेलना चाहते हैं युवराज, क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया कर रहा है मदद। 19 सितंबर से शुरू होने वाला आईपीएल 2020, चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी कर रहे हैं जमकर प्रैक्टिस। पीवी सिंधु थॉमस ओवर कप के खेलने के लिए राजी, अगले महीने होंगे मुकाबले। फ्रेंच ओपन में खिताब का बचाव करने के लिए नहीं उतरेंगे वर्ल्ड नंबर 1 ऐश बार्टी ने US ओपन से भी हटने का लिया था फैसला।
स्टार फुटबॉलर मेसी ने ट्रेनिंग शुरू की, करना पड़ा बार्सिलोना से जुड़े रहने का फैसला। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में तेलुगु फिल्म एक्टर जयप्रकाश रेड्डी का निधन, हार्ट अटैक से हुआ निधन। स्टार शटल ज्वाला गुट्टा और एक्टर विष्णु विशाल ने की सगाई, तमिल फिल्मों के एक्टर हैं और प्रोड्यूसर हैं विष्णु विशाल। टीवी शो भाभी जी घर पर हैं के निर्माता हुए कोरोना पॉजिटिव, गुड़िया हमारी सब पे भारी के लीड एक्टर करम राजपाल की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। OTT प्लेटफॉर्म पर जल्दी रिलीज नहीं होगी अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब, 9 सितंबर को होनी थी OTT पर रिलीज। 8 साल बाद छोटे पर्दे पर एक बार फिर से दिखेगा कबूल है टीवी शो, Zee5 पर होगा टेलीकास्ट। शो का सुरीली आवाज की मलिका आशा भोसले का आज जन्मदिन, लोग दे रहे हैं बधाई। ब्रेग्जिट पर ब्रिटेन के साथ डील को लेकर जर्मन सरकार आशावान, लेकिन समय की कमी को लेकर जताई चिंता। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में नहीं रुक रहे हैं प्रदर्शन, राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मांग। कैलिफोर्निया के अल डोरोडो के जंगलों में करीब 22,000 एकड़ में लगी आग, आग से 49 डिग्री तक पहुंचा तापमान। क्लियर स्काई एयर डिफेंस कॉम्पिटिशन में फिस फायर, रॉकेट आसमान की बजाय धरती पर करने लगा सैर। इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल, लुटेरा चूका स्टोर के लोगों ने धर दबोचा। टॉम रिवर में ट्रंप का चुनावी कैंपेन, ड्रोन फुटेज से दिखी सैकड़ों बोट की परेड। नदी की तरफ दौड़ते एक शख्स का पैर फिसला, सीधे नदी में गिरा, वीडियो वायरल। कोलोराडो के जंगल की आग में एक शख्स बना गवाह, हवाई यात्रा के दौरान धुएं को या कैप्चर। लोग जल्द कर सकते हैं उड़ते कार की सवारी, जापान में फ्लाइंग ड्रोन कार का सफल परीक्षण। देखने में आम प्रेशर कुकर है लेकिन इसकी तली से निकला 36 लाख का सोना। कार में चाबी लगाकर टायर चेक करना पड़ा भारी, सामने से कार ले हुआ फरार लुटेरा। चमगादड़ का क्रेज बरकरार है, वियतनाम के एक कॉलेज में स्टूडेंट ने बना डाली बैठ कार।